बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 32 अमवात हुई हैं। मुल्क भर में कोरोना से जाँबहक अफराद की तादाद 22,971 हो गई। 24 घंटे के दौरान 37,636 कोरोना टेस्ट किए गए। एनसीओसी का बताना है कि 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1,841 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10,01,875 हो गई है। मुस्बत केसेज की बात करें तो मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 4.89% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 32 अमवात। मुल्क भर में कोरोना से जाँबहक अफराद की तादाद 22,971 हो गई। 24 घंटे के दौरान 37,636 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1,841 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 10,01,875 हो गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेज की शरह 4.89% रही। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 41,59,546 हो गई। दुनिया भर में 19,40,11,946 अफराद कोरोना से मुतासर। दुनिया भर में 17,61,18,311 मरीज सहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 41,59,546 हो गई, जबकि दुनिया भर में 19,40,11,946 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। आपको बताएं कि दुनिया भर में 17,61,18,311 मरीज सेहतियाब हुए हैं। शहबाज गिल का नवाज शरीफ के अफगान नेशनल सिक्योरिटी चीफ और वजीर मुमलकत से मुलाकात पर रद्द अमल। पाकिस्तान को गंदी गाली देने वाले शख्स से नवाज शरीफ की मुलाकात ताजा डेवलपमेंट है। उन्होंने कहा कि क्या इससे वाजे नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है। मालूम हुआ कि अफगान वजीर नवाज शरीफ के लिए मोदी का खास पैगाम लाए। शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान को गाली देने वाले शख्स की और नवाज शरीफ की बाहमी दिलचस्पी क्या हो सकती है। पाक फौज के खिलाफ जहर उगलने वाले को कश्मीरों के जज्बात से नहीं खेलने देंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है, कौम और फौज उसके चप्पे चप्पे की महाफिज है। आजाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाजिया बनाया जाएगा। शहबाज गिल ने कहा कि मुलाकात इसी मुनाफिकाना एजेंडा पर हुई। शहबाज गिल का नवाज शरीफ के अफगान नेशनल सिक्योरिटी चीफ और वजीर मुमलकत से मुलाकात पर रद्द अमल। पाकिस्तान को गंदी गाली देने वाले शख्स से नवाज शरीफ की मुलाकात ताजा डेवलपमेंट है। क्या इससे वाजह नहीं हो जाता कि नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है। मालूम हुआ कि अफगान वजीर नवाज शरीफ के लिए मोदी का खास पैगाम लाया। ऐसा कहा गया शहबाज गिल की जानब से। पाकिस्तान को गंदी गाली देने वाले शख्स के नवाज शरीफ की बाहमी दिलचस्पी क्या हो सकती है। पाक फौज के खिलाफ जहर उगलने वाले को कश्मीरियों के जज्बात से नहीं खेलने देंगे। कश्मीर हमारी शहरग है और कौम और फौज उसके चप्पे चप्पे की मुहाफिज है। आजाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाजा बनाया जाएगा। मुलाकात इसी मुनाफिकाना एजेंडा पर हुई। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने मक्का मुकरमा में तफरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। म्यूजिक और तफरी सरगर्मियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुकदस शहर के तकद्दस को बरकरार रखा जाएगा। म्यूजिकल और तफरी सरगर्मियां कैफे और मॉल्स के अंदर भी मुमकिन नहीं होंगी। आपको बताएं कि गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने मक्का मुकरमा में तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। उनका कहना है कि म्यूजिकल और तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। मुकद्दस शहर के तकद्दस को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि म्यूजिकल और तफरीही सरगर्मियां कैफे और मॉल्स के अंदर भी मुमकिन नहीं होंगी। भारतीय रियासत में तूफानी बारिशें, 48 घंटे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 130 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर एजेंसी का बताना है कि ताले नामी गांव में लैंडस्लाइडिंग की जद में 32 घर उजड़ गए, जबकि लैंडस्लाइडिंग के बायस 33 अफराद हलाक और 52 लापता हैं। आपको बताएंगे भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिश ने मुंबई 48 घंटे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 130 अफराद हलाक। तलाई नामी गांव में लैंडस्लाइडिंग की जद में 32 घर उजड़ गए। लैंडस्लाइडिंग के बाद 33 अफराद हलाक, 52 लापता हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडन अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक रबता अफगानिस्तान की सूरत हाल और दिगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी, ऐसा कहा गया अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से। अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी, हमें अफगान फौज पर एतमाद है, ये मुल्क का दिफा करेंगे, ऐसा कहा गया अफगान सदर की जानिब से। हमने अमन और सिक्योरिटी के लिए अफगानों के इकट्ठे होने पर जोर दिया, दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती दिफा और मुआशी तआवुन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। आपको बताएं कि अमरीकी सदर जो बाइडन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक रबता हुआ है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी, अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी, हमें अफगान अफवाज पर एतमाद है, यह मुल्क का दिफा करेंगे, अफगान सदर ने ऐसा कहा। हमने अमन और सिक्योरिटी के लिए अफगानों को इकट्ठे होने पर जोर दिया, दोनों ममालिक के दरमियान सफारती दिफाई और माशी तआवुन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीकी सदर ने अफगान महाजरीन के लिए 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। रकम अमरीकी इमरजेंसी फंड के जरिए खर्च की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बताना है कि यह रकम अफगान महाजरीन को वीजों के इजरा और अमरीका मुंतकली पर खर्च होगी। अमरीकी सदर ने अफगान महाजरीन के लिए 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम अमरीकी इमरजेंसी फंड्स के जरिए खर्च की जाएगी। ये रकम अफगान महाजरीन को वीजों के इजरा और अमरीकी मुंतकली पर खर्च होगी, तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ऐसा कहा गया। टोक्यो ओलंपिक्स पहला दिन पहला गोल्ड मेडल चीन के यंगकियान ने शूटिंग के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। चीन की यंगकियान ने खातीन की शूटिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। यंगकियान ने 10 मीटर एयर राइफल के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक्स पहला दिन पहला गोल्ड मेडल, चीन के यंगकियान ने शूटिंग के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया और चीन के यंगकियान ने खवातीन के शूटिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। यंगकियान ने 10 मीटर एयर राइफल के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। आलमी बरादरी ने कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत देने का वादा किया। इमरान खान ने कहा कि नहीं जानता आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात कहां से आई। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आजाद रेफरेंडम कराएंगे। कश्मीर के लोगों की कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। आजाद कश्मीर में जिनकी हुकूमत वही धांधली का शोर मचा रहे हैं। नून लीग को अपने अंपायर के साथ खेलने की आदत है। वज़ीर आज़म ने आजाद कश्मीर के इलाके तराड़खल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नहीं जानता आजाद कश्मीर का सूबा बनाने वाली बात कहां से आई। कश्मीर के लोगों की कुर्बानियां जाया नहीं होंगी, रेफरेंडम कराएंगे। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं या आजाद रहना चाहते हैं। हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे, दुनिया के जब सरबरा मुल्कों के सरबरा को मिलूंगा उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। कितनी दफा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया, आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने। बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। तो नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपुल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन से पहले ही धांधली का कहा जा रहा है। आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की, इलेक्शन कमीशन उनका धांधली हम करेंगे। वो अभी से शुरू हो गए हैं कि जी धांधली होगी। गवर्नमेंट आपकी, नून लीग की हुकूमत, अमला आपका, इलेक्शन कमीशन आपकी, आपकी पसंद की, तो धांधली हम करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल करता था और ये इसे शादियों पर बुलाते थे। तकरीरें करने वाले से पूछा जाए कि उन्होंने 5 साल कश्मीरियों के लिए क्या किया, जरदारी से ना पूछे क्योंकि उसे तो पैसे गिनने से ही फुर्सत नहीं थी। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि मैं हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज बुलंद कर रहा हूं और करता रहूंगा।
वजीर आजम इमरान खान का कोटली में इंतहाबी जलसे से खिताब, आलमी सरबराहान से मुलाकात में कश्मीर का मुकदमा पेश करता रहूंगा, ऐसा कहा गया वजीर आजम की जानिब से। जरदारी और नवाज शरीफ ने कितनी बार आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाना तो दूर मिनते करके मोदी को शादी पर बुलाया। किताब में लिखा है बेनजीर ने बिलावल को बताया कि किस मुल्क में पैसे पड़े हैं, अगर किसी सियासतदान का पैसा बाहर पड़ा हो तो वो आपको कंट्रोल करता है। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने बाहर के हुक्म पर इलेक्शन लड़ा, अमरीका में भारतीय लॉबी इसराइल के साथ मिलकर काम करती है। नवाज जरदारी अद्वार में ड्रोन हमले होते थे, 25 जुलाई को अपने वोट से मुस्तकबिल का फैसला करना है। ये कहा जा रहा है कि आजाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूं, ये किधर से बात आई अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी, कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का और मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसों से खिताब, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरी आवाम के लिए आवाज उठाई, कश्मीरों से हमारा ताल्लुक कोई जमात नहीं तोड़ सकती, इलेक्शन जीतकर बाघ आजाद कश्मीर की किस्मत बदल देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा कश्मीरों से वोट नहीं कुर्बानी का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर पर तारीखी हमला हुआ, मुजफ्फराबाद में कश्मीर का फैसला कश्मीर के आवाम करेंगे। मुजफ्फराबाद वालों ने इस्लामाबाद और दिल्ली को हिलाकर रख दिया है, मोदी की टांगें कांप रही हैं कि जियालों की हुकूमत बन रही है। हमारा रिश्ता सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ वोट के और इख्तदार का रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता कुर्बानियों का रिश्ता है। आपने आज साबित कर दिया है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो तो यहाँ के तीनों में तीन सीट जो है वो तीन में होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, जियालो मुंतखब होंगे। हम किसी कठपुतली को इजाजत नहीं देंगे कि वो मकबूजा कश्मीर पे सौदा करे। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करें मरदान से, जहां पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मुक्सिफ का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा और कोरोना एहतियाती एसओपीज पर अमल दरामद करने के हवाले से चेकिंग की। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सील ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करें मरदान से कि जहां पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मुक्सिफ का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा, कोरोना एहतियाती एसओपीज पर अमल दरामद करने के हवाले से चेकिंग की। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सील कर दिया गया और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट करें आपको एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मुक्सिद का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का दौरा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फजले हक ने। जी फजले हक, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मरदान में बल से रश के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर मरदान हबीबुल्ला आरिफ की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मुक्सिद ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का अचानक दौरा किया और कोरोना वायरस के पेश नजर जारी करदा एहतियाती एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से चेकिंग भी की। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल मुक्सिद ने एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को सील करते हुए ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। जिली अफसरान ने वाजिश किया कि कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने वाले अपराध के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, एसओपीज की खिलाफवर्जी पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सील ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया। फजलिया का आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान से कहा, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा कहा गया शेख रशीद की जानिब से। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत बनाएगी, मरियम नवाज की कश्मीर में जुबान गैर जिम्मेदाराना है, दासू और बादशाह डैम पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, गरीब को रोजगार देना मिशन है, चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं। सिंध से खबर शामिल करें, जहां पर 26 जुलाई से शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है।
सिंध में शॉपिंग मॉल्स और दीगर कारोबार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि सिंध में 26 जुलाई से तफरीही मकामात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स पे इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। टेक अवे की रात 10 बजे और होम डिलीवरी की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। सिंध में स्कूल्स और कॉलेजेस 26 जुलाई तक मुकम्मल बंद रखने का फैसला और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि सिंध भर में स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ जारी इम्तिहान हो सकेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। वज़ीर-ए-आला सिंध का वफाकी हुकूमत के जरिए पीटीए को खत लिखने का फैसला। पीटीए तमाम लोगों को पैगाम भेजे को वैक्सीनेशन कराएं, ऐसा कहा गया मुराद अली शाह की जानिब से। एक हफ्ते में वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम ब्लॉक की जाए। वज़ीर-ए-आला के एनसीओसी की सिंध हुकूमत के फैसले पर आगाही की हिदायत। वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकने का फैसला भी किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग करना शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत ने एनसीओसी और पीटीए को खत लिखने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन न लगवाने पर मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएं। वजीर आला सिंध का टास्क फोर्स इजलास में कहना था कि 1002 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हॉस्पिटल्स में दाखिल 85% मरीज नॉन वैक्सीनेटेड हैं। 76% मरीजों को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी। सूरत हाल तशवीशनाक है, ईद के बाद मजीद खराब हो सकती है। सिर्फ 15% वैक्सीनेटेड मरीज बेहतर हालत में हैं। आपको बताएं कि साबिक सफीर शौकत मुकदम की साहिबजादी और नूर मुकदम कत्ल केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सराय के मुताबिक पुलिस को मौसूल होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मकतूला की मौत दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से हुई। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात भी पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का सर धड़ से अलग किया गया। मकतूला के घुटने के नीचे के हिस्सों पर जख्मियों के मुतअद्दिद निशान है। मकतूला के जिस्म पर मुतअद्दिद मकामात पर चाकू के गहरे जख्म हैं। पुलिस ने केस मुश्तबा मुजरिम जाहिर जाफर को हिरासत में ले रखा है, जिसका नाम ECL में डालने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सराय का कहना है कि चीफ कमिश्नर ऑफिस आने वाली दरख्वास्त वजारत दाखिला भिजवाई जा चुकी है और अब वजारत दाखिला का बिना कमेटी से मंजूरी के बाद इसका नाम ECM में शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़े पर दुख हुआ। मुआवने खसूसी शाहबाज गिल कहते हैं कि वजीर आजम जाती तौर पर साबिक सफारतकार की बेटी के कत्ल केस को देख रहे हैं। शाहबाज गिल ने कहा कि हम बहसियत कौम ऐसे वाकयात रोकने के लिए संजीदा होना होगा। इंसाफ की जो भी शक्ल हो, लेकिन दुरुस्त इंसाफ हो। हम सबको ऐसे वाकयात पर मुतासरीन के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत नूर मुकदम के वालिदैन के साथ खड़ी है, जरूर इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि अमीर हो या आम आदमी, किसी के लिए कानून में लचक नहीं आएगी। इंसाफ के अमल को आसान बनाने की जरूरत है। मैं यहां पर एक तो अपनी हुकूमत की तरफ से एक पाकिस्तानी सिटीजन होने की तरह तौर पे, अपने लीडर की तरफ से एक तो इनके साथ फातिहा, इनके साथ गम बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बताने में कि हमें भी गम है हाजिर हुआ हूं। जब तक हम एज अ कॉम सीरियस नहीं होंगे, ऐसे वाकयात को फॉलो अप नहीं करेंगे उनके अंजाम तक, जो भी इंसाफ हो, इंसाफ की जो भी शक्ल हो, लेकिन सही इंसाफ, उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन दुरुस्त इंसाफ, बिल्कुल वो इंसाफ जो अगर इस मौके पर हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होती, तो जो वो इंसाफ करते, वो वाले इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं, वही हमारी अदालतों को करना चाहिए, वही पुलिस को करना चाहिए, वही हुकूमत को करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को खातीन के लिए गैर महफूज बना दिया, ऐसा कहा गया मरियम नवाज की जानिब से। हुकूमत ने खातीन की हिफाजत और वकार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मेरी तमाम हमदर्दियां नूर मुकदम के खानदान और कौम की बेटियों के साथ हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया है कि आजाद कश्मीर के लोग को इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है। सर्वे के मुताबिक 44% के साथ पीटीआई को वाज़े बरतरी हासिल है। इंशाल्लाह लोग कश्मीर के सफीर को वोट देंगे, अवाम अपोजिशन की धोखादही झूठ की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया है कि आजाद कश्मीर के लोगों को इमरान खान की क़यादत पर एतमाद है। सर्वे के मुताबिक 44% के साथ पीटीआई को वाज़े बरतरी हासिल है। इंशाल्लाह लोग कश्मीर के सफीर को वोट देंगे, अवाम अपोजिशन की धोखादही झूठ की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों के लिए खसूसी इमिग्रेशन काउंटर कायम कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने स्पेशल इमिग्रेशन काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। खसूसी काउंटर के जरिए चीनी मुसाफिरों की तेज तरीन इमिग्रेशन हो सकेगी, जबकि खसूसी काउंटर के जरिए सीपैक वीजा होल्डर्स भी इस्तेफादा कर सकेंगे। खसूसी काउंटर का कायम वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की खसूसी हिदायत पर कायम किया गया। वज़ारत दाखिला की तरफ से सीपैक की अलहदा कैटेगरी का वीजा भी जारी किया जा रहा है। काउंटर के इफ्तिताह पर DGFIA भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने भारतीय रियासत के पुष्पनाही में जारी जासूस की कार्रवाई को एक जिम्मेदार रियासत के तर्ज अमल की आलम इकतदार की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए शदीद मुज़म्मत की। दफ्तर खारजा के तर्जमान जायद हफीज चौधरी ने कहा है कि हमने बैनुल अक्वामी मीडिया की उन हालिया रिपोर्ट्स का संजीदगी से नोटिस लिया है जिनमें भारतीय हुकूमत की जानिब से अपने ही शहरियों और गैर मुल्की बाशिंदों के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान की इसराइली जासूसी के सॉफ्टवेयर के जरिए बाजाबता जासूसी की कार्रवाइयों को बेनकाब किया गया है। उनका कहना था कि हमने उनके इंकशाफात का बगौर जायजा लिया है। अक्वामी मुतहदा से मुतालबा करते हैं कि वह इस मामले की तफसीली तहकीकत करके हकायक को सामने लाते हुए भारत को कचहरे में लाएं। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान ने रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी को इस्तीफा वापस लेने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि माशी हब से ही मुल्क तरक्की मुमकिन है, जबकि कराची के आवाम को पीपल्स पार्टी के रहमुकरम पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की मुलाकात। इमरान खान ने फिरदौस शमीम नकवी को सिंध असम्बली की रुकनीत के हवाले से इस्तीफा वापस लेने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम के लिए फिक्रमंद हूँ, मुआशी हुब से मुल्की तरक्की मुमकिन है, कराची के अवाम को पीपल्स पार्टी के रहमोक्रम पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आज़म को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और तरक्याती कामों से आगाह किया और कहा कि MNA फंड से तरक्याती कामों का अमल तेजी से जारी है। सिंध में कशीदा हालात हैं, अवामी पीपल्स पार्टी हुकूमत से रुस्वा हो चुकी है, सिंध में स्टैंडिंग कमेटियों में अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी जाती। इमरान खान आजाद कश्मीर में कोई कामयाब जलसा नहीं कर सके, ऐसा कहा गया साद रफीक की जानिब से। इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जाली बजट पेश किया गया, महंगाई का जिन पे काबू हो चुका, हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर मुल्क चला रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान आजाद कश्मीर में कोई कामयाब जलसा नहीं कर सकते। कश्मीरी मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालतों में साबित हो गया कि झूठे मुकदमात बनाए गए आम इंतखाबात में आवाम तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर देंगे। उनका कहना था कि हुकूमत ने जाली बजट पेश किया, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत में जज की अदम तैनाती के बायस बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया। फारूक हबीब कहते हैं कि बरतानिया की जानिब से करप्ट अफराद पर पाबंदियां आयद करना खुशायन अम्र है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। फारूक हबीब कहते हैं कि सजा से बचने के लिए भगोड़ा लंदन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि एवन फील्ड फ्लैट्स बनाना UK ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम के दायरे में आता है। वजीर आजम इमरान खान ने भी अक़वामी मुत्तहिदा में तरक्की याफ्ता ममालिक की क़यादत को मुखातिब किया और कहा कि गरीब ममालिक से पैसा लूटकर वहां ले जाया जाता है, इस पर कार्रवाई की जाए। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, देखते रहिए रोज न्यूज़।